नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में आज हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और इसे आप कैसे समझे, बहुत बेसिक सा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में देके रखा है। उसके बाद हम करेंगे एडिशन रिएक्शन और उसके बाद हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीन रिएक्शन है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में यहाँ पर हम रुकेंगे, फिर अगला पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या देके रखा है इसको जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। चलिए, यू हैव सीन दैट कार्बन कंपाउंड्स स्टार्ट बर्निंग बाय कंबाइनिंग इजीली विद द ऑक्सीजन इन एयर व्हेन इग्नाइटेड इन एयर। हमने देखा है कि जो कार्बन कंपाउंड है वो इजीली, कार्बन कंपाउंड इजीली बर्न होते हैं। हमने एक एग्जांपल देखा था, किसका देखा था हमने एग्जांपल देखा था प्रोपेन का। प्रोपेन इजीली बर्न हो जाता है। हमने देखा था C3H8 के साथ में हमने O2 लगा दिया और उसको बर्न किया था तो क्या बना था। मैंने क्या कहा था, जितने हाइड्रोजन बनते हैं उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। बनता है भैया CO2 बनता है, वहां पर H2O बनता है, वहां पर हीट बनती है और वहां पर लाइट बनती है। ये हमने कंबस्टन रिएक्शन में देखा है। अब कितने कार्बन बनेंगे और कितने CO2 बनेंगे और कितने H2O बनेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है। यहां 8H है तो यहां पर हम लिखेंगे 4H2। देखो 4H2 हो गया। और कितने कार्बन है, तीन, तो तीन बनेंगे भैया यहां। अब O कितने हो गए, यहां 3 2 6 और ये 4 तो 10 हो गए, तो ये 5O2। इस तरह की यही रिएक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, किसके लिए, कंबक्शन रिएक्शन के लिए। अब यहां पर यही बात आपको बता के रखिए कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको जब हम कार्बन कंपाउंड स्टार्ट्स बर्निंग ओके विद कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, कोई भी चीज जब बर्न होती है तो किससे कंबाइन करती है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन होती है ओके और वो बर्न होने लगती है। यही चीज यहां बता के रखिए। आगे क्या देके रखा है, इन दिस प्रोसेस ऑफ कंबक्शन All the chemical bonds in the molecules of the carbon compound break and CO2 and H2 are formed as the product. वही बात मैंने आपको बताई कि जब भी, एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई कार्बन कंपाउंड को आपने ऑक्सीजन दिया तो क्या बनेगा, तो बनेगा CO2, तो बनेगा H2O, तो बनेगी हीट प्रोड्यूस होगी और तो बनेगा लाइट। इतना काम होगा। अब इसमें क्या होगा, जो कार्बन कंपाउंड्स है ना, सारे के सारे जो बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे बॉन्ड इसके ब्रेक हो जाते हैं, सारे के सारे बॉन्ड ब्रेकअप हो जाते हैं ना, क्योंकि कार्बन कंपाउंड हमने C3H8 में देखा कि जितने बॉन्ड्स थे कार्बन कार्बन के बीच में सारे ब्रेकअप हो गए, इधर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, इधर बन गया वाटर और बन गया हीट और बन गया क्या, लाइट। ठीक है, यही चीज आपको बुक में देके रखी है। आगे क्या बताते हैं, आगे हमको देके रखा है दैट इन अदर वर्ड्स कार्बन कंपाउंड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग कंबक्शन। ओके, कंबक्शन में जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन, वो ऑक्सीडेशन मतलब वो हो जाते हैं ऑक्सीडाइज्ड। और आगे क्या देके रखा है, केमिकल कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी यूज एज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। कोई केमिकल कंपाउंड्स को यूज करके भी आप उससे ऑक्सीजन ले सकते हो। सब्सटेंसेस दैट कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन देते हैं, जो ऑक्सीजन देंगे उनको ऑक्सीडेंट कहेंगे हम। ठीक है, ये क्लियर है यहां पर, जो भी ऑक्सीजन देगा उसको ऑक्सीडेंट कहेंगे या फिर उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसा बोला जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, जो भी देगा व्हाटएवर। ठीक, और वो हम बताएंगे कौन ऑक्सीजन दे रहा है, कुछ जगह पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ओके, तो क्लियर समझ लीजिए कि जो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देते हैं अदर सब्सटेंस को, उनको ऑक्सीडेंट कहते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में देखे रखी, और मैं आपकी टेक्स्ट बुक की ही बातें आपको बता रहा हूं, कोई बहुत नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं आपको क्लियर समझाने की। ठीक है, मेरा मेथड, मैं जानता हूं मेरा मेथड ये है कि मैं बुक का सारा कंटेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सारा एक्स्ट्रा आपको कुछ बता नहीं रहा हूं। एक्स्ट्रा आपको बताने मतलब जो पढ़ाता हूं तब मैं आपको समझ में आ जाता है कि एक्स्ट्रा आपने क्या सीखा है। ठीक है, आगे क्या देख के रखा है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आर कॉमनली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना उसको और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों के दोनों एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इनका यूज होता है। ओके, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इनका यूज होता है। और वही चीज यहां देखे रखिए, क्या बोल के रखा है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अफेक्ट्स ऑन सर्टेन
फंक्शनल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बन कंपाउंड, ये क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कार्बन कंपाउंड्स के जो अलग अलग ग्रुप्स है फंक्शनल ग्रुप है उनको वो अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करेंगे मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है, अभी हमने क्या देखा कि कार्बन कंपाउंड्स को अगर आप यहां पर ऑक्सीडाइज कर रहे हो, कार्बन कंपाउंड्स को अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हो, अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हो तो आपने क्या देखा कि वो ब्रेकअप हो जाते हैं, भैया इनका तो पूरा आपने खत्म ही कर दिया ना, इनके बॉन्डिंग खत्म कर दिए, बचता क्या है CO2 बचता है और H2O बनता है, आप बनाते क्या हो, आप वाटर बनाते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हो, दो चीज बनाते हो, तो पूरा ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। और यही चीज तो आपको यहां पर देके रखी है। चलिए हम इसमें आगे आते हैं, आगे इसमें देके रखा है जो हमें टेक्स्ट बुक में एक प्रैक्टिकल देके रखा, ट्राई दिस उसको देके रखा, टेस्ट ट्यूब देके रखा है, बंसर बर्नर लेना है, मेजरिंग सिलेंडर लेना है, ड्रॉपर लेना है, क्या क्या आप केमिकल्स ले रहे हो, एथेनॉल ले रहे हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट ले रहे हो, कार्बोनेट ले रहे हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हो, तीन चीजें आपने ली है, इथेनॉल लिया है, डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट लिया है और डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट लिया है। इसमें आगे क्या देके रखा है, प्रोसीजर देके रखे कि 2-3 ml ऑफ इथेनॉल इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में आपको 2-3 ml इथेनॉल लेना है, कितना लेना है 2-3 ml लेना है, ठीक है। एंड एड 5 ml सोडियम कार्बोनेट, आपको उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करना है, एड 5 ml सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू इट एंड वार्म द मिक्सचर बाय होल्डिंग द टेस्ट ट्यूब ऑन द बर्नर फॉर अ व्हाइल। क्या करना है आपको, जो मिक्सचर है उसको आपको थोड़ा गर्म करना है, किसके ऊपर, आपको बर्नर के ऊपर, वो टेस्ट ट्यूब को लेके लगा के रखना है। डू प्रॉपर राइज एडिशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू दिस वार्म मिक्सचर विथ स्टीयरिंग, उसमें आपको जो पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डाल के आपको स्टीयर करते रहना है, ठीक है। डज द टिपिकल पिंक कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट स्टे एज इट इज ऑन एडिशन और डज द पिंक कलर स्टॉप वैनिशिंग और स्टे ऑन आफ्टर सम टाइम बाय द एडिशन एडिशन प्रोसेस। मुझे बताइए, जब आपने इसमें ये प्रैक्टिकल करके देखना, आपको आपके लैब में ये शायद आपने आपके सर ने आपको करके बताया होगा, जब आप पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हो तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है क्या, वही ये पूछ रहा है, क्या पिंक कलर उसका वैनिश हो जाता है या नहीं होता है। और उसी का आंसर हमको अगले इसमें देके रखा है, अपने टेक्स्ट बुक में देके रखा है कि ऑन एडिंग द पिंक कलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू एथेनॉल द पिंक कलर डिसअपीयर्स इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में जब आप डालते हो, स्टार्टिंग में जब आप एथेनॉल में आप पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स करोगे तो वो क्या होगा, पहले वो धीरे धीरे गायब होगा, डिसअपीयर होगा, ओके, इन द बिगिनिंग। This is because the potassium permanganate is used up in oxidation reaction. ऐसा इसलिए होता है कि वो potassium permanganate जो है वो oxidation reaction में use हो रहा है. At a certain point of addition, थोड़े addition के बाद में oxidation of the all the quantity of the ethanol is in the test tube is complete. And if the addition of the potassium permanganate is continue beyond the point, it is not used up and become excess. क्या होता है, एक टाइम तक तो पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर गायब होते रहेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू डालते रहो तो क्या होगा, फिर बाद में वो पोटेशियम परमैंगनेट एक्सेस हो जाएगा और एक्सेस हो जाएगा तो फिर वापस अपने कलर में आ जाएगा। द पिंक कलर ऑफ दिस एक्सेस पोटेशियम परमैंगनेट डज नॉट वैनिश बट स्टेज एज इट इज, और फिर उसके बाद में वो कलर चेंज नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग में पोटेशियम परमैंगनेट जब आप इथेनॉल में मिलाओगे तो स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे गायब होगा, लेकिन सर्टेन पॉइंट तक गायब होगा, उसके बाद अगर आप एक्सेस करते जाओगे पोटेशियम परमैंगनेट तो फिर वो पूरी तरह से वहां पर बढ़ते जाएगा, रुकने वाला नहीं है, मतलब वो आते जाएगा क्योंकि आप उसमें वही कलर ऐड कर रहे हो, एक्सेस हो जाएगा इसलिए। चलिए इसी चीज को समझ लेते हैं कि जब इथेनॉल में आप पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं तो क्या होता है। इथेनॉल मतलब CH3CH2OH, ये रिएक्शन हमारे टेक्स्ट बुक में देके रखी है, यहां पर उसको ऑक्सीडाइज किया, उसमें आपने एसिडिक KMnO4 मिलाया, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, तो होता क्या, ये बनता है CH3COOH, ठीक है, ये बनता है एथेनोइक एसिड, ये बनता है एथेनोइक एसिड, और यही आपको एक रिएक्शन देके रखी है ऑक्सीडेशन की, बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, आपको बेसिक ये पूछ सकते हैं, आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पूछ सकते हैं, या आपको एग्जांपल देने को बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दो, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल दो, बहुत ज्यादा उसमें कोई आने वाला नहीं है, ठीक है।
यहां आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्शन देके रखी है, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ देके नहीं रखा है, ठीक है। चलिए हम अगली जो रिएक्शन है उस पर जाते हैं, अगले पेज पर जाते हैं। अगले पेज पर क्या देके रखा है, अगली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आपको स्टार्टिंग में ही एक प्रैक्टिकल देके रखा है, क्या बोलता है, एपरेटस आपको लेना है, टेस्ट ट्यूब्स लेना है, ड्रॉपर्स लेना है, एक्सेट्रा बता के रखा है, और साथ में केमिकल्स कौन से ले रहे हैं, टिंचर आयोडीन ले रहे हैं, ब्रोमिन वाटर ले रहे हैं, लिक्विफाइड वनस्पति घी ले रहे हैं, और वेरियस वेजिटेबल्स ऑयल, अलग अलग वेजिटेबल्स ऑयल ले सकते हैं आप साथ में, ठीक है। प्रोसीजर क्या देखे रखा है, टेक 4 ml ऑयल इन द टेस्ट ट्यूब, आपको टेस्ट ट्यूब में 4 ml ऑयल लेना है, एंड ऐड 4 ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन और ब्रोमीन वाटर इन इट, शेक द टेस्ट ट्यूब, फाइंड आउट whether the original color of the bromine or iodine disappears or not, repeat the same procedure using other oils, वनस्पति घी। मतलब आपको क्या करना है कि आपको ब्रोमीन वाटर हो या टिंचर आयोडीन हो, कोई एक आपको 4 ml पहले आपको ऑयल ले लेना है, उसमें आपको 4 ml ड्रॉप मिक्स करना है, और आपको शेक करके देखना है कि वेदर उसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है, ठीक है, बस इतना ही करके देखना है। आगे क्या बता के रखा है, आगे बता के रखा है, इन द अबव एक्टिविटी द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिसअपियरिंग और डिमिनिशिंग कलर ऑफ द ब्रोमीन और आयोडीन इंडिकेट्स दैट द ब्रोमीन आयोडीन इज यूज्ड। मतलब अगर उनका कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब है कि वो यूज हो गए, उनका उपयोग हो गया। दिस मीन्स दैट ब्रोमीन एंड आयोडीन हैज अंडरग्रॉन अ रिएक्शन, इसका क्लियर क्लियर मतलब है कि ब्रोमीन आयोडीन एक रिएक्शन में गए हैं विद द कंसर्न सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है उसके साथ में उनकी रिएक्शन हुई है, वो उसमें एड हो गए, और इसीलिए उसको कहते हैं दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। अगर उनका कलर चेंज हो जाता है तो वहां पर उनका भाग, उन्होंने उस रिएक्शन में भाग लिया है, दे हैव टेकन पार्ट इन द रिएक्शन, और दैट इज व्हाई इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, वो उसमें ऐड हो गए, उसमें ऐड हो गए, इसलिए उनका कलर बदल गया है, और इसीलिए बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। आगे आते हैं, व्हेन अ कार्बन कंपाउंड कंबाइंस विद अनदर कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट कंटेन्स ऑल द एटम इन बोथ द रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है, यहां क्लियरली मेंशन है, व्हेन अ कार्बन कंपाउंड कंबाइंस विद द अनदर कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड कंबाइंस विद द अनदर कंपाउंड, दूसरे से कंबाइन हो जाता है, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट कंटेन्स ऑल द एटम्स इन बोथ द रिएक्टेंट्स, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसमें दोनों के सारे एटम्स उसमें भाग लें, ओके, इन बोथ द रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट कौन होते हैं जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है, हम जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, और उसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड एज देयर फंक्शनल ग्रुप, हम जानते हैं कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं, ये तो हमको पता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन टू फॉर्म द सैचुरेटेड कंपाउंड एज द प्रोडक्ट। मतलब अगर आपने अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में आप ये रिएक्शन करके देख रहे हो तो अनसैचुरेटेड वाले क्या होते हैं, वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब भी वो एडिशन रिएक्शन से होके जाते हैं तो वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में आ जाते हैं, उनका प्रोडक्ट जो बनता है वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का बनता है, ठीक है, और वही चीज आपको यहां बुक में देके रखी है। इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड With the iodine or bromine takes place instantaneously at the room temperature. मतलब iodine और bromine के साथ में unsaturated carbon compound जो होते हैं वो quickly addition reaction होती है. Moreover, the color change can be felt by eyes. मतलब जो color change हो रहा है हम अपनी आंखों से observe कर सकते हैं. Therefore, this reaction is used as the test for detection of the multiple bond in the carbon compounds. Okay, ये किसके लिए होता है? This reaction is used as test for detection of multiple bond in the carbon compounds. आगे देखे रखा है, in the above activity, the color of the iodine and bromine disappears as the reaction between the oil and iodine. However, there is no color change with वनस्पति घी. वनस्पति घी के साथ में कोई color change नहीं होता है. What inference will you draw from this? Which of the substance do contain the multiple bonds? अब पहली बात है, अगर reaction वहां पर change नहीं हो रहा तो फिर reaction नहीं हो रही है, ठीक है, और क्या बता रहा है कि इससे आपको क्या आइडिया आता है, इससे विच ऑफ द सब्सटेंस डू कंटेन अ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में कौन से सब्सटेंस बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा, आगे हमको उसके आंसर मिलेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि द एडिशन रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद द आयोडीन एंड ब्रोमीन टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली एट द रूम टेम्परेचर। तो यहां पर आपको अनसैचुरेटेड के साथ में रिएक्शन होती है, ओके, क्योंकि अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, रिएक्ट करके
वो सेचुरेटेड बना लेते हैं। सेचुरेटेड वाली बात नहीं है यहाँ, अनसेचुरेटेड की बात है। ठीक है, तो अगले पेज पे जाने से पहले इस चीज को देखना, ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। चलिए मैं अगले पेज पे जाता हूँ। अगले पेज पे आप देखेंगे यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 125 का ये टेबल है, जिसमें स्टीयरिक एसिड दे के रखा है और वो देख रखा है C17H35COOH। अब देखिए C कितना बता रहा है, C बता रहा है यहां पर 17 और एक 18C बन रहा है। तो जरा मैं बना लूं, 17C बना लेता हूं पहले। तो पहला CH3 बना लो, या एक काम करते हैं, पहला बनाते समय सिर्फ C बनाते हैं, 17C लगाना है आपको। 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17 और ये COOH, कुल मिला के ये 17 और ये एक 18 हो गए। यहां मैं 3 लगा देता हूं हाइड्रोजन। अब यहां देखिए ये एक और ये कुल मिला के 18 है, तो ये बचे कितने, ये 16 बचे हैं। तो इनके साथ में कितने हाइड्रोजन लगेंगे, सभी के साथ दो दो लगेंगे, यहां दो यहां दो यहां दो, हर जगह आपको दो दो लगाना है। ठीक है, दो दो हाइड्रोजन लगेंगे सभी जगह पर। 16 के साथ दो दो हाइड्रोजन लगे, मतलब कितने हाइड्रोजन हुए, देखो हाइड्रोजन जरा काउंट करते हैं, ये वाले बीच वाले 16 है। ओके, तो 16 × 2 तो ये 32 हो गए। ये बाहर के साइड, ये पहली कंडीशन पे आप देखिए यहां पर, यहां ये 3 है और यहां पर ये 1 है, तो ऐसे ये 4 है, तो कुल मिला के कितने हो गए, ये 36 हो गए। 36 है तो देखिए यहां पर ये 35, यहां आप देख सकते हैं कि ये है 35 और ये तो 36 हो रहा है, देखिए 36 हो गया। ठीक है, C17 और ये, तो यहां पर तो कोई डबल बॉन्ड बॉन्ड दिख ही नहीं रहा, मतलब ये सेचुरेटेड है, और सेचुरेटेड है इसका मतलब कि यहां पर डबल बॉन्ड कितने बनेंगे, 0। तो यहां पर कलर चेंज होने वाली बात ही नहीं, तो नो कलर विल चेंज। ओके, यहां पर कलर विल नॉट चेंज। फिर बात करते हैं यहां पर, अब देखो अगर यहां पर से मैं दो हाइड्रोजन ऐसे हैं, ये कंडीशन बता रहा हूं, अगर ये दो ऐसे है, ये सही इस तरह से, हम ऊपर वाले हाइड्रोजन की बात करते हैं, मैं इसकी बात नहीं करता। अगर मैं ये दो हाइड्रोजन हटा दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये कंडीशन आ गई सेकंड वाले की, तो यहां डबल बॉन्ड कितने लग रहे हैं, यहां पर एक डबल बॉन्ड बनेगा, वन पेयर ऑफ डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहां पर देखिए कितना, 35 से 33 हो गया, अगर 33 से और दो कम कर दे तो देखो 31 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में दो बनेंगे डबल बॉन्ड। देखिए अगर मैं यहां के ये दो हाइड्रोजन यहां से हटा देता हूं, ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां पर फिर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड दो हो गए यहां पर। और C15 और 31, अगर 15 और 31 की बात करें तो क्या होगा, चलिए मैं पहले नंबर लिख लूं, बाद में ये उसमें बताऊंगा कि कलर क्या चेंज होते हैं। मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं, इरेज हो गया, ये वाला बनाते हैं, सॉरी पूरा ही इरेज नहीं करना है हमको, मुझे सिर्फ इसको इरेज करना है, तो इसको इरेज करते हैं, ये दो मैं कम कर लेता हूं तो C5 हो जाएगा, ये दो कम हो गए। अब देखिए यहां पर मैं इसको भी कम कर लेता हूं, ठीक है, यहां हम कार्बन लगा ले और जरा गिन लो जरा कितने हुए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गया और ये COOH बराबर। अब जरा हाइड्रोजन गिन लो कितने हो रहे हैं, अब अगर ये 15 और एक 16 है तो दो हटा दो, तो ये बीच में तो 14 2 28 हो जाएंगे, बीच में 28 है, यहां पर 3 है और ये एक 4 है, ये 4 तो ये 32 हो रहे, देखो ये 32 हो रहे यहां पर, सॉरी ये 31 और एक 32, तो यहां पर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जहां डबल बॉन्ड नहीं बनेगा वहां पर कलर चेंज नहीं होगा, और जहां डबल बॉन्ड बनेगा वहां पर कलर चेंज होगा। ठीक है, इस तरह से इसके आंसर्स आएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, कलर कब चेंज होगा, क्योंकि अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब इसमें अगर हम आगे जाएं हमारी टेक्स्ट बुक में, द अनसेचुरेटेड कंपाउंड कैन आल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द सेचुरेटेड कंपाउंड। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो अनसेचुरेटेड होंगे वो क्या होंगे, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो होंगे, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन, उनमें एडिशन रिएक्शन होगी विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म द सेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड बनाएंगे मतलब डबल बॉन्ड जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाउएवर इट इज नेसेसरी टू यूज कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम और निकल फॉर द रिएक्शन। अब मुझे बताइए कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट भैया वो होते हैं जो रिएक्शन को आगे बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन में भाग नहीं लेते लेकिन रिएक्शन को आगे बढ़ा देते हैं, वो होते हैं कैटलिस्ट। ओके, तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन भी ध्यान रखिए कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। ठीक
ठीक है, और ये आपको सिंपली पूछा जा सकता है वाटर कैटलिस्ट 1 मार्क में। ठीक, चलिए इसमें आगे हम आते हैं, आगे देखिए क्या देके रखा है इसमें। We have already seen that catalyzed in such a substance due to presence of which the rate of the reaction changes without causing any disturbance to it. मतलब कैटलिस्ट के कारण जो होता है, कैटलिस्ट के कारण जो रिएक्शन होती है वो स्पीड अप हो जाती है, ओके, बिना किसी डिस्टरबेंस के। चलिए आगे इसमें आते हैं, आगे देखे रखा है, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ द निकल एंड निकल कैटलिस्ट। यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी दैट द आयोडीन टेस्ट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड इन पर्टिकुलर इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल व्हाइल वनस्पति घी इज फाउंड टू बी सैचुरेटेड। जो वनस्पति घी है वो सैचुरेटेड है और बाकी जो है वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि वनस्पति घी का कलर नहीं बदलेगा, कलर नहीं बदलेगा इसका मतलब क्या है कि वो सैचुरेटेड है, कलर बदलेगा इसका मतलब कि वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेजिटेबल ऑयल कंटेन्स लॉन्ग एंड अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेजिटेबल ऑयल के वो क्या लॉन्ग चेन होती है, है ना, फैट्स होते हैं, लॉन्ग चेन होती है, और लॉन्ग चेन होने के कारण वो अनसैचुरेटेड भी होते हैं और लॉन्ग चेन भी उनकी होती है। हाइड्रोजनेशन ट्रांसफॉर्म्स देम इनटू द सैचुरेटेड चेन एंड देयर बाय वनस्पति घी इज फॉर्म्ड। अनसैचुरेटेड फैट्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड आर हेल्दी व्हाइल द सैचुरेटेड फैट्स आर हार्मफुल टू हेल्थ। जो सैचुरेटेड होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, वनस्पति घी कलर बदलता नहीं है तो हार्मफुल होता है, बाकी दूसरे ऑयल जो है बदल रहे कलर तो दे आर गुड फॉर द हेल्थ। ये बात ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपको गूगली में भी पूछ सकते हैं कि राइट समथिंग अबाउट द वेजिटेबल ऑयल विच आर गुड फॉर हेल्थ एंड राइट देयर टाइप्स, ऐसा करके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आगे है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड जाने के पहले आपकी टेक्स्ट बुक में आपको जो देके रखा है उसको बता दूं मैं। यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह से एक इक्वेशन देके रखी है, दैट इज सी डबल बॉन्ड सी, और यहां दो जगह बॉन्डिंग देके रखा है इस तरह से। ठीक है, और यहां पर उसने हाइड्रोजनेशन बोला है, तो हाइड्रोजनेशन मतलब क्या कि H2 जुड़ जाएगा, तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा और दो जगह H लग जाएगा। देखो ये ऐसा हो जाएगा और दो जगह H लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो वहां पर बॉन्डिंग उसकी होती है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग यहाँ खराब आई है उसके लिए माफ कीजिएगा। चलिए आगे इसमें आते हैं, आगे हमें देखे रखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एज द सिंगल बॉन्ड सी एच एंड सी सी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर नॉट रिएक्टिव एंड देयरफॉर देम रिमेन इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। एक्चुअली देयरफॉर यहां पर दे होना चाहिए, उन्होंने देम टाइप करके रखा है, यहां दे होना चाहिए। ठीक है, यहां आपकी बुक में दे होना, दे रिमेन इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट रिएजेंट। इनर्ट मतलब क्या, इनर्ट गैसेस की तरह, वो रिएक्ट नहीं करते, ये बात यहां पर बता के रखिए। इनर्ट गैसेस के क्या होते हैं, नॉबल गैस जिसको बोले हम। हाउएवर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट रैपिडली विद द क्लोरीन। इन दिस रिएक्शन क्लोरीन एटम रिप्लेस वन बाय वन ऑल द हाइड्रोजन एटम्स इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वन बाय वन रिप्लेस होते हैं, कैसे रिप्लेस होते हैं, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में देखे रखी, वही इक्वेशन में लिखूंगा यहां पर, क्या देखे रखी टेक्स्ट बुक में, दैट इज सी एच फोर प्लस सी एल टू। क्या होगा यहां पर, यहां पर आपको बनाना है रिएक्शन, तो रिएक्शन में क्या होगा, यहां सनलाइट बता के रखा हमको, ये किसमें होती है, सनलाइट में होती है। क्या होगा इसमें से, अगर मैं आपको करके बताऊं, ऐसा करके बताऊं तो आप जल्दी समझेंगे, ये CH4 है और ये Cl2 है, ये क्या है, ये Cl2, Cl एंड Cl, सब जगह पर मैं क्या करता हूं, H लगा देता हूं, यहां H, यहां H, यहां H और यहां H। अब क्या होगा भाई, अब ऐसा होगा कि ये जो H है और ये जो Cl है, ये HCl अलग हो जाएगा, मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये HCl हो गया, बचता क्या है, ये Cl यहां जुड़ जाएगा, तो यहां क्या आएगा, CH3 और ये Cl, CH3Cl, ये बन गया भैया यहां पर, ये पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में आपको यहां पर, ये देखिए मैं दूसरे टाइप लिख लेता हूं जरा, आपको दूसरी कंडीशन में इसको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, CH3 उसी तरह से लिखिए, ये Cl लगा दीजिए, सभी जगह पर H लगा दीजिए। ठीक है, या इसको एक काम कीजिए, लिखते समय थोड़ा घुमा के लिखिए, फिर से लिखता हूं मैं, ये कार्बन, यहां H लगाइए, यहां Cl लगाइए। ठीक है,
यहां एच लगाइए, यहां पर एच लगाइए, बात तो एक ही है, मैंने ऐसा नहीं लिखा, ऐसा खड़ा लिखा है। प्लस इस पर फिर सी एल टू ले लो, ठीक है। प्रेजेंस काय का है, प्रेजेंस सनलाइट यहां भी था, यहां भी सनलाइट है। अब क्या होगा भाई, ये देखो ये एच रिएक्ट कर लेगा इससे, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये एच सी एल इधर बन गया, बचता क्या, ये सी एल यहां जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा सी एच टू, ये सी एच टू, ये सी एल सी एल, ये सी एल टू बन गया जी आपके बुक में, देखते चलिए यही है ना। उसके बाद हम इसको लेंगे, क्या है सी एच टू है, तो एक एच इधर लगा दो, एक एच इधर लगा दो, इधर सी एल लगा दो और इधर सी एल लगा दो, ठीक है। थोड़ा मैं इसको इरेज कर लूं जो थोड़ा गंदा गंदा सा लग रहा है, देखिए अब ये सी एल और ये एच, फिर से यहां क्या होगा सी एल सी एल ले लो, अब क्या होगा यहां फिर से सनलाइट, तो यहां पर ये जो एच सी एल है ये बाहर हो जाएगा, ओके। और यहां क्या बचेगा सी एच सी एल थ्री, ये बनेगा सी एच सी एल थ्री, ठीक है। ये एक ही एच बचा है और तीन जगह ये लग जाएगा। और आखिरी में हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, मैं थोड़ा आप इसको इरेज कर दूं, ये क्या बना है सी एच सी एल थ्री बना है, ठीक है, ये बना है सी एच सी एल थ्री, तो एच इधर लगा देता हूं, बाकी सब जगह सी एल लगा देता हूं, और ये सी एल टू जोड़ दो उसको, तो क्या होगा ये एच सी एल हो जाएगा बाहर, ठीक है, बनेगा क्या एच सी एल, और यहां बचेगा क्या सी सी एल फोर, देखिए एक दो तीन और चौथा यहां जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, ठीक है। स्टिल लॉन्गर नंबर ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन द क्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ द हायर होमोलोजस ऑफ अल्केन्स, इससे भी बड़े बड़े आप चेन बना सकते हैं, ठीक है, ये बात यहां पर देखे रखी है। मतलब इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखे रखी है आपकी टेक्स्ट बुक में, कोई बहुत इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मैं इसमें आगे जाता हूं जरा, पहले मैं इसको इरेज कर लूं, इसमें आगे देखे रखा है द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप इज इन अ रिएक्टेंट इज टेकन बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ द एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या होता है रिप्लेस कर लेते हैं एक दूसरे को। अभी हमने रिप्लेसमेंट कैसा देखा, हमने रिप्लेसमेंट देखा इसमें, देखो बहुत अच्छा था रिप्लेसमेंट, सिंपल था, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। सिंपल रिप्लेसमेंट हमने क्या देखा, हमने देखा कि चार हाइड्रोजन लगे थे यहां पर चारों साइड में, यहां एक, ये ऊपर एक, नीचे, तो बचा क्या सी एल टू लिया था हमने, तो ये जो एच सी एल है ये बाहर हो जाता है, और जो बचता है वो बचता है सी एच थ्री सी एल, ये बचता है सी एच थ्री सी एल, तो बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं इसमें, आगे देखिए रखा है क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच गिव्स आउट गिव्स फोर प्रोडक्ट, चार प्रोडक्ट देते हैं, कितने प्रोडक्ट बनते हैं चार प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें आगे हमें यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन देखे रखा है, इन द क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेन टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स कंटेनिंग वन क्लोरीन एटम आर ऑप्टेन, ओके, ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर फार्मूला। आइसोमेरिक बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं, तो क्या होते हैं आइसोमर्स, मैंने आपको बताया पहले, तो बात किसकी हो रही है यहां पर, क्लोरीनेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड किसके साथ हो रही है, ये प्रोपेन के साथ हो रही है। जरा हम प्रोपेन को बना ले भाई, प्रोपेन में अगर एक, देखो मैं एक मिनट बना लेता हूं, अगर मैंने यहां पर प्रोपेन लिया, मतलब सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच नहीं लगाता हूं, मैं एक काम करता हूं ऐसे लगा लेता हूं, ऐसे लगा लेता हूं एच एच और एच, और मैंने यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड करी, या सी एल टू भी नहीं लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं सी एल सी एल, तो क्या होगा ये एच सी एल बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या, बनेगा यहां पर सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल। मतलब अगर देखा जाए तो ये यहां पर ये एक तो ऐसा बन सकता है, ठीक है, ये क्या है, ये सी थ्री एच सेवन सी एल है, इसका फार्मूला क्या है सी थ्री एच सेवन सी एल, तो एक तो ये बनेगा ऐसा, एक टाइप कैसा है, एक टाइप ऐसा है कि सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल, तो ये सी एल एक तो यहां लगेगा या फिर यहां लगेगा, दोनों केस में हम उसको वन क्लोरोप्रोपेन ही बोलेंगे, वन टू थ्री यहां लगे या फिर ये ऐसा लगे कि सी एल सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, दोनों कंडीशन में इसके नाम क्या है भाई, दोनों कंडीशन में इसका नाम है वन क्लोरो प्रोपेन, लेकिन वो क्या बोलते हैं, दो तरीके से इसको बता सकते हैं आप, वो क्या बोलता है
टू आइसोमर्स बनते हैं। तो एक तो ये हो गया कि दोनों एक नंबर पे लग जाए, अगर बीच वाले पे सीएल लगता तो कैसा होगा, सी एच थ्री और सी एच भी नहीं लगेगा बीच में, तो सिर्फ यहां पर सी ही लगेगा ना भाई, बीच में तो सी ही लगेगा, सी सी एच थ्री और बीच में आप लगा दो सी एल और यहां लगा दो एच। देखो सी थ्री, एक दो तीन एच सेवन, तीन और तीन छह और एक सात और सी एल, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टू क्लोरो प्रोपेन। तो दो चीजें बनेगी। अब अगर आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सही नहीं है तो ये आपको बनाते नहीं आएगा। हमारे टेक्स्ट बुक में आखिरी में देके रखा है पेज नंबर 126 पर, यू हैव लर्नड अबाउट द फोर टाइप्स ऑफ द कॉमन रिएक्शंस इन द प्रीवियस चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर में हमने कॉमन रिएक्शंस पढ़ी है, इन विच ऑफ दीज फोर टाइप्स ऑफ एडिशन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इंक्लूडेड। ये उसमें ऐड किए जा सकते हैं सब्सटीट्यूशन को और एडिशन को। What are the additional details and difference in the addition and substitution reaction? Addition और substitution reaction में आप common difference आपको बताना है, क्या difference हो सकते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर आपको देखिए, इसको मुझे बताइए comment box में जाके बताइए कि क्या difference होगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों reactions समझा दिए, ठीक है? तो अब ये यहाँ पर आपको आपका दिमाग लगाना है, ठीक है? इस तरह से यहाँ पर हमारा जो reaction वाला part आज complete हो रहा है, ठीक है? अब सिर्फ मुझे लगता है दो पेज तीन पेज बचे हैं, हाँ जी तीन साढ़े तीन, मतलब कुल मिला के आगे पीछे देखे तो सात पेज है, लेकिन छोटा सा पार्ट बचा है, हालांकि जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था, कुछ कारणों से लेट हो गया, माफ कीजिएगा। पर हाँ, ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो प्लीज, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी। जल्दी मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊंगा जिसकी मदद से आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।